ऐसा लग रहा है कि जैसे इमरजेंसी नाफिस कर दी गई है, अघोषित इमरजेंसी, और बुनियादी अधिकार है ये किसी को कहीं जाने का, कुछ कहने का, उसके ऊपर ये कुठाराघात किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी के बच्चों को जब बुलाया है, उन्होंने जब प्रेसिडेंट ने बुलाया है, तो वहाँ जाने में कौन सा लोकतंत्र का हनन हो रहा था? लेकिन नहीं, क्योंकि ये तानाशाह हैं, इनकी तानाशाही चलने नहीं दी जाएगी और बहुत जल्द इसके खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। पूरे उत्तर प्रदेश आज गुस्से में है, पूरे एक एक बच्चा गुस्से में है कि आखिर अखिलेश यादव जैसे लोकप्रिय, अच्छे और भले नेता को रोकने को औचित्य नहीं है कोई। ऐसा लगता है कि इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और ये मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। अखिलेश यादव जी को जिस तानाशाह सरकार ने रोकने का प्रयास किया, लोकतंत्र की हत्या की है, ऐसी सरकार की कड़ी निंदा करते हैं। जो योगी सरकार ने किया, निश्चित रूप से ये निंदनीय है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवाओं में और छात्रों में, नौजवानों में लोकप्रिय नेता हैं। छात्र संघ के अध्यक्ष चुनने के बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष ने उन्होंने अपने कार्यक्रम में बुलाया, जिस कार्यक्रम में जाने से सरकार ने रोका गया, निश्चित रूप से ये निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। आदरणीय अखिलेश यादव जी की जो लोकप्रियता है, बच्चा बच्चा, बुजुर्ग, नौजवान, महिलाएं, जो उनकी लोकप्रियता है, उससे घबरा कर ये इन्होंने आज ये कृत्य किया है। और छात्र संघ, खासतौर से छात्र, नौजवान, जिनके दिलों में अखिलेश यादव जी के अलावा दूसरा नाम नहीं है, वो छात्र संघ का अध्यक्ष जो समाजवादी पार्टी का समर्थक है, जब वो जीता है, तुम जीत ही नहीं पा रहे हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग सारे उपचुनाव हारते चले जा रहे हो, तो ये बहुत बौखलाए हुए हैं। और उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से इन्होंने इमरजेंसी लगा रखी है, घोषित। तो शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें योगी की ये सरकार युवाओं से डरी हुई है, घबराई हुई है, छात्रों से घबराई हुई है, इसलिए युवाओं के बीच में पहुंचने से माननीय अखिलेश यादव जी को रोका गया। उसी के विरोध में हम लोगों ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है और समाजवादियों ने यहाँ पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का पुतला फूंकने